Well, our next word we are doing in this video number 16 of synonyms is veteran. Veteran का मतलब होता है देखो जो बहुत मतलब के experienced है अपने काम में, जो माहिर है अपने काम में, उसके लिए veteran word लिखा जाता है. क्योंकि old hand, old timer and master. Master आप याद रखना, जिसको काफी experience होता है उसके लिए master word लिखा जाता है. अब master को याद करने का तरीका क्या है? देखो वैसे तो यहाँ पे हम master भी कह सकते हैं, master से हम कह सकते हैं, ठीक है ना. विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत, यानी कि ट्राइम्फ, विन एंड कॉन्क्वेस्ट. तो कॉन्क्वेस्ट करेंगे तभी विक्ट्री होगी, कॉन्क्वेस्ट इज जीत, इसलिए लिखा गया. विजिलेंट, देखो विजिलेंट कौन होता है? जो चौकन्ना होता है, जिसकी नजर आसपास बनी रहती है, भी क्या चल रहा है क्या चल रहा है, वो क्या होता है? विजिलेंट होता है, यानी कि अलर्ट है, अटेंटिव है, वॉचफुल है, कॉशियस है, कॉशियस को बोलते हैं विजिलेंट. नेक्स्ट इज विगोरस. देखो विगोर किसका रूट है? विगोर रूट है जोश का. तो जोशीला जो होगा, एक्टिव होगा, वो डायनामिक होगा, एनर्जेटिक होगा, एफिशियंट होगा. वॉयज, वॉयज समुद्री यात्रा को बोलते हैं, जर्नी, पैसेज, ट्रेवल एंड ट्रिप. वल्गर वैसे होता है अश्लील. वल्गर क्या होता है? अश्लील होता है, यानी कि बुरा कह सकते हो आप, ठीक है ना. तो अश्लील के लिए कॉमन, बुरिश, बुरिश का मतलब होता है बुरा. अनरिफाइंड, यानी कि जिसमें जिसको छाना नहीं गया है, जो छना नहीं हुआ है, उसके लिए अनरिफाइंड लिखा गया. नेटिव, नेटिव का मतलब है जो अपने बेसिक नेचर में है, उसके लिए लिखा गया नेटिव वर्ड. तो ये ध्यान रखना पड़ेगा वल्गर के सिनोनिम. कॉमन, बुरिश, बुरिश तो बुरा हो गया, अनरिफाइंड एंड नेटिव. वॉचमैन, नाम से ही पता लग रहा है, चौकीदार को बोलते हैं वॉचमैन, यानी कि जो केयर टेकर होता है, जो कस्टडियन होता है, जो गार्ड होता है. वेल नोन, जो सबको सब जानते हैं, जो फेमस है, जो रिनाउंड है. रिनाउंड वर्ड कहाँ से बना, थोड़ा समझते हैं. रिनाउन जो वर्ड है, ये नॉन से बना है, देखो के एन ओ एन से बना है. नॉन का मतलब होता है जाना जाना, तो रिनाउंड यानी कि जिसको सब जानते हैं, पॉपुलर. तो वेल नोन का क्या बनेगा? फेमस, रिनाउंड, पॉपुलर. होलसम का मतलब होता है जो आपके लिए लाभकारी, यानी कि जो आपके लिए एडवांटेजियस है, बेनिफिशियल है, वर्दी है. नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड, जो पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में फेमस है, जनरल है, ग्लोबल है, इंटरनेशनल है, यूनिवर्सल है. रेसल करना होता है युद्ध करना, लड़ाई करना, कॉम्पिटिशन करना, बैटल, कॉम्बैट, कॉम्बैट होता है लड़ाई करना. कॉन्टेंट एंड कॉन्टेस्ट, कॉन्टेंट देखना पड़ेगा. कॉन्टेंट वैसे इच्छा का रूट है, तो अगर आप रेसल करो तो इच्छा भी करोगे आप उसके लिए, तो कॉन्टेंट करोगे, इसलिए लिखा कॉन्टेंट. एंड कॉन्टेस्ट करना, आप अपने कॉम्पिटिशन में रहना होता है. तो बैटल, कॉम्बैट, कॉन्टेंट एंड कॉन्टेस्ट आर द सिनोनिम फॉर रेसल. ईयरली, ईयर से पता लग रहा है, जो सालाना होता है वो ईयरली होता है, यानी कि जो एनुअल है, जो परेनम है. यील्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना, मान जाना, यानी कि कंप्लाई करना. कंप्लाई करना क्या होता है? मान जाना. अलाउ करना, कंसीड होता है हाँ कर देना, यानी कि जो जैसा कहेगा वैसा कर देंगे. एबडिकेट, छोड़ देना, भाई दूसरे में छोड़ दिया आपने, जो आप कहोगे वो ठीक है, इसको यील्ड करना. यूथफुल, तो फुल आ रहा है, तो फुल वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं. और यूथ का मतलब होता है जवानी, तो जवानी से भरा हुआ यूथफुल होता है. बॉयश, चाइल्डिश, यंग एंड इमेच्योर, जो लड़का है, बचकाना है, अभी इमेच्योर है, वो यूथफुल है. और जील इंग्लिश में जोश का रूट है. जील किसका रूट है? जोश का रूट है. जील यानी कि स्पिरिट है, जेस्ट लगन होता है, ठीक है ना. डिवोशन क्या होता है? वही जोश होगा, डिवोशन होगा. जेलस, ओजुएस आगे तो जट्टी बन गया. जील जोश है, जोश से भरा हुआ जेलस होता है, यानी कि डिवोटेड, ईगर, पैशनेट, स्पिरिटेड. जेनिथ का मतलब होता है टॉप पॉइंट, चोटी को बोलते हैं. अपेक्स, क्लाइमेक्स, टॉप, वर्टेक्स, ऑप्टिमम. जेस्ट भी जोश को इंडिकेट करता है. चार्म, एंजॉयमेंट, फ्लेवर एंड एपेटाइट. एपेटाइट का मतलब भूख भी होता है. भूख, भूख से रोटी की नहीं होती, कुछ करने की भी भूख होती है, कुछ करने का भी जुनून होता है, उस जुनून को जेस्ट बोलते हैं, एपेटाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये हमने और वर्ड्स किए सिनोनिम के ऊपर. विल डू मोर वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.